अगर कोई पेशेंट को दांत में दर्द रह रहा या दर्द रह रहा फिर कम हो रहा, वैसे पेशेंट्स को नस का ट्रीटमेंट करना पड़ता। नस का ट्रीटमेंट कब करते? जब नस तक इन्वॉल्व हुआ, जब तक करते। एक्चुअली दांत में तीन लेयर्स रहते, एक एनामल रहता, एक डेंटिन रहता और एक पल्प रहता। पल्प में पूरे नस रहते। अगर आपको दांत खराब खाली एनामल या डेंटिन तक रहा तो आपको सीमेंट लगाते। सीमेंट में दो दो किस्म के सीमेंट है, एक ग्लास आइनोमर सीमेंट है और एक कॉम्पोजिट सीमेंट है। ये दो सीमेंट भी आप डलवा सकते हैं। अगर आपको दर्द है नस तक अगर पहुंच गया कीड़, तो जब आपको नस का ट्रीटमेंट या रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराना पड़ता। उसमें क्या करते बोले तो पहले पूरा साफ करते थे, साफ करके पूरे नस निकाल देते। नस निकालने के बाद जब पूरा साफ हो जाता है, साफ करने के बाद गट्टा पर्चा सीमेंट बोल के रहता, सीमेंट डालते, उसके बाद सील कर देते। सील करने के बाद कैप बैठाते। कैप में भी आपको कई किस्म के मिलेंगे, जैसा आपको मेटल सेरामिक कैप है या जर्कोनियम कैप है या DMLS का कैप से कई किस्म के मिलते हैं आपको। सबसे बेहतरीन कैप जो है वो जर्कोनियम कैप है। जर्कोनियम जो है दांत का कलर का रहता, आप कुछ भी खाए तो टूटता नहीं। अगर आप मेटल सेरामिक लिए समझे, मेटल सेरामिक में आपको मेटल टॉक्सिसिटी होती, उसकी वजह से मसूड़ा काला हो जाता, तो मोस्टली लोग मेटल सेरामिक प्रेफर नहीं करते, इसलिए लोग जर्कोनियम ज़्यादा प्रेफर करते। तो अगर आपको दांत में दर्द है या अगर आपको नस का ट्रीटमेंट कराना चाह रहे या आपको सीमेंट डलवाना चाह रहे, तो आप कोई भी नज़दीकी पार्थो डेंटल क्लिनिक में ट्रीटमेंट करा सकते। शुक्रिया।